कुछ भ्रम लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, उसका माहौल बना हुआ था और उस माहौल में बहुत दम नहीं था। एक पट्टी थी अम्बेडकर नगर से लेकर गाजीपुर तक, जिसमें लोगों को ये एहसास हो गया था कि यही सरकार आ रही है। नहीं, राजनीति करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति की है, चोरी और डकैती न करे कोई अपनी औलाद तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने देना चाहिए। आपको हमारा जीवन तो पता है, मायावती जी ने मुझे पर मुकदमा लगाया, मुझे फरार रहना पड़ा, वो कोई मेरा निजी मामला थोड़ा था, वो बात पसंद नहीं आई तो इसलिए हम लोग उस सवाल को उठा दिए। राजा भैया कोई गैंग थोड़ा है, राजा भैया MLA थे और वो सरकार से अपना समर्थन वापिस लिए और लोकतंत्र में कोई समर्थन दे और समर्थन वापस ले इस आधार पर कार्रवाई होगी तो जनतंत्र में उसका विरोध होना चाहिए और वही विरोध हम लोगों ने किया। देखिए, पार्टी से निष्कासन तो मैंने आपसे एक बार और मिले थे तो बताया था कि वो मीडिया में और अखबार में देखने को मिला है। अभी तक मुझे कोई सीधी सूचना न तो लिखित आई है, न मौखिक आई है, न किसी नेता ने कहा है, न किसी पदाधिकारी ने कहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार। इस वक्त MLC के चुनाव परिणाम आ गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ में और ख़ासतौर पर पूर्वांचल में। पूर्वांचल में निर्दलियों का अब की बार बोलबाला रहा। इसी क्रम में एक नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा, यशवंत सिंह साहब का, MLC साहब हैं। आपने जिस तरीके से आपकी राजनीति रही, कार्यकाल लंबा रहा, अनुभव भी काफ़ी अच्छे रहे आपके, अचानक क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं, हमसे तो कुछ हुआ नहीं। हमारे तो राजनीतिक आदर्श आदरणीय चंद्रशेखर जी रहे हैं और आज भी वही हमारे आदर्श हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में विधान परिषद का सदस्य हूँ इसलिए कि मुझे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की ईमानदारी, उनका परिश्रम और वह जो देशभक्ति उनके अंदर है उसी से प्रभावित होकर मैं उनके साथ हूँ। अब देखिए, सवाल तो उठेगा, आप एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं और उन्हीं के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। नहीं, चुनाव तो चुनौती थी, वो इस आजमगढ़ और मऊ की जनता और यहाँ के सम्मानित मतदाताओं के सम्मान का सवाल था। यह विजय हमारी नहीं है, यह आजमगढ़ और मऊ की जनता और उसके सम्मानित मतदाताओं की विजय है। कई सवाल उठ रहे हैं मंत्री जी। सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आप थे और उनके सहयोग में थे, अचानक बच्चे को लेके, बेटे को लेके जब टिकट की बातें हुई, हालांकि आज नतीजे तो कुछ हैं जो आप चाहते थे उसी के तरफ आए, लेकिन जो बेटे को लेके जो सवाल उठ रहे थे और टिकट का बंटवारा में गड़बड़ी हुई, उससे आप नाराज थे? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं था। मैं तो किसी से अनुरोध और निवेदन भी नहीं किया था। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता और कार्यकर्ता नहीं बता सकता है, जिससे मैं ये कहा हूँ कि श्री विक्रांत सिंह रिशु को आप टिकट दे दीजिए जी। तो मैं जब अनुरोध और निवेदन नहीं किया तो नाराज किस बात पर हो जाऊँगा? और मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार घोषित किया गया था उसके लिए ना तो पार्टी ने मुझे कुछ कहा और न उम्मीदवार ने कुछ कहा, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बिना बुलाए मैं किसी के साथ शामिल हो जाऊँ। सर, काफ़ी पुराना अनुभव है आपका, खेल क्या मतलब किस तरफ करवट ले रहा है, इस तरीके का समय है, खासतौर अब 24 का भी टारगेट है? नहीं, खेल अब भी मोदी और योगी से देश और प्रदेश बिल्कुल प्रसन्न है और उनकी कार्यप्रणाली बेहतर है। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो चुनौती बन जाती हैं, वो आजमगढ़ के सवाल आजमगढ़ के लिए चुनौती थी, वो प्रदेश में कोई सवाल और देश में उसका कोई सवाल नहीं है जी। खासतौर पे जो पूर्वांचल के नतीजे आए हैं, प्रत्याशित आए हैं, चाहे योगी मोदी जी की लहर कही जाए या अखिलेश की कही जाए, सारे लोगों के समीकरण ध्वस्त हो? नहीं, ये तो केवल आजमगढ़ में इस तरह की बात है, दूसरा तो वाराणसी में, प्रतापगढ़ में, सारे जगहों। देखिए, प्रतापगढ़ और वाराणसी बराबर निर्दलीय चुनाव जीतते रहे हैं, वो उनका जनाधार है
और जनाधार लोकतंत्र में स्वीकार होगा उसको कोई नकार नहीं सकता। खासतौर पे अब सवाल ये उठ रहा है कि पूर्वांचल को लेके जिस तरीके से नेतृत्व की बात कही जा रही है, उसके नेतृत्व को लेके अब आप नहीं किस तरह के? जो आगामी चुनाव है। नहीं, आगामी चुनाव तो अब 2024 में है, 2022 में अभी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है, 2024 में भी उसकी स्थिति बेहतर ही दिख रही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं दिख रहा। बेटे को लेकर जो बातें चल रही थी, या अगर जो समीकरण ने या पार्टी संगठन ने टिकट नहीं दिया, उससे कहीं ना कहीं आपको तकलीफ? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम तो अपने लिए भी पूरी जिंदगी में कभी टिकट नहीं मांगे। एक बार एक घटना घटी थी, बहुजन समाज पार्टी में गया था तो उसमें थोड़ा बातचीत करनी थी और बातचीत करने में वो टिकट हमको नहीं मिला। वो तो तत्कालीन सांसद डॉक्टर बलराम ने वो टिकट लिया और वो टिकट हमको उसके नाम से मिला। जो सहूर हमको नहीं है वो काम हम नहीं करते। अच्छा सर, आप से हम ये जानना चाहेंगे, जो आग पिछले नतीजे आए 22 में, जो विधानसभा के नतीजे रहे और ख़ासतौर पे पूर्वांचल का जो एक सीन बना पश्चिम से लेके और पूर्वांचल के बीच में, मायावती जी ने कुछ बयान दिए, उनके साथ कुछ रहा, अखिलेश यादव की उम्मीदें कुछ और थी, कुछ इस पे भी कहिए ना। नहीं, ऐसा है कि कुछ भ्रम लग रहा था कि अखिलेश यादव कि सरकार आ रही है, उसका माहौल बना हुआ था और उस माहौल में बहुत दम नहीं था। एक पट्टी थी अंबेडकर नगर से लेकर गाजीपुर तक, जिसमें लोगों को ये एहसास हो गया था कि यही सरकार आ रही है और उनके कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच घुसकर के काम किया। आप देख रहे होंगे उसी की विजय उनको मिल गई। भारतीय जनता पार्टी उतना घुस करके काम नहीं कर पाई, इसीलिए उसका पराजय हो गया। अब ये कहा जाता है कि राजनीति में संभावनाएं और खेल चलता है, खेल खेलने का सही मौका है ये? नहीं, किस तरह राजनीति के जो दाव पेच होते हैं, जो चुनाव है अब 24 को लेकर लीजिए, चाहे निकाय को लीजिए, आपने MLC में तो जीत हासिल कर ली। मैं बहुत तिकड़म में यकीन नहीं रखता हूँ। सीध सपाट गांव के हम लोग पैदा हैं और सीधी साधी बात करते हैं, सीधे साधे काम भी करते हैं। जो बातें पसंद नहीं होती हैं उसका विरोध करते हैं इस बात की परवाह के बिना कि कोई नुकसान होगा या फायदा होगा, और जो पसंद आती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपको हमारा जीवन तो पता है, मायावती जी ने मुझे पर मुकदमा लगाया, मुझे फरार रहना पड़ा, वो कोई मेरा निजी मामला थोड़ा था, वो बात पसंद नहीं आई तो इसलिए हम लोग उस सवाल को उठा दिए। मायावती जी ने जो आपके ऊपर एक्शन लिया उसमें तो राजा भैया जी का नाम आता है, राजा भैया जी की वजह से आप लोगों के साथ भी हुआ, आप उनके पक्के मित्र थे, दोस्त थे, या कह लीजिए सहयोगी? राजा भैया कोई गैंग थोड़ा है, राजा भैया MLA थे और वो सरकार से अपना समर्थन वापस लिए, और लोकतंत्र में कोई समर्थन दे और समर्थन वापस ले इस आधार पर कार्रवाई होगी तो जनतंत्र में उसका विरोध होना चाहिए और वही विरोध हम लोगों ने किया। कुल मिला के चुनाव का नतीजा भी आ गया है, बेटे की जीत हुई है, बेटे से बात बात तो नहीं हुई, आशीर्वाद लिया हमसे, हमने आशीर्वाद दिया उसको। बेटे से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी पिता हैं उनके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, अब उनकी जो सोच है किस तरीके से वो हमें देखते हैं। नहीं, राजनीति करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति की है, चोरी और डकैती न करे कोई अपनी औलाद तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने देना चाहिए। गलत काम करे तभी रोकना चाहिए, और वह अपना काम कर रहा है उसमें हमको कोई बुराई नहीं लग रही है तो हम उसको रोकते नहीं हैं और उसके लिए कोई पैरवी भी नहीं करते। जब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो मैं लखनऊ रह गया, आजमगढ़ तक यात्रा भी नहीं किया। अपने पौर से आदमी को खड़ा होना चाहिए, तभी उसका महत्व समझता है और उसकी अहमियत समझता है। परिवारवाद का मंत्री कहीं आरोप लग रहा था, एक तरफ एक फैसला हुआ कि बेटे का टिकट खुद पिताजी ने काटा, आजमगढ़ में एक उदाहरण हुआ कि बेटे की जगह पिता काबिज हो गए, अब आपका उदाहरण ये बन रहा है कि बेटे के लिए आपको पार्टी से निष्कासित। देखिए, पार्टी से निष्कासन तो मैंने आपसे एक बार और मिले थे तो बताया था कि वो मीडिया में और अखबार में देखने को मिला है,
अभी तक मुझे कोई सीधी सूचना न तो लिखित आई है न मौखिक आई है, न किसी नेता ने कहा है न किसी पदाधिकारी ने कहा है। अब यह आपकी कपोल कल्पित जो बातें हैं, बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, हुई होगी, हमको हम MLA हैं, हमको भी सूचना होगी कि आप पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, वो चीज़ हमें उपलब्ध नहीं हुई। और अगर पार्टी हित में कोई इस तरह का फैसला होगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मुझे उससे इतना तकलीफ होगी न निंदा करूंगा। चलिए उज्जवल भविष्य की हम भी कामना करते हैं, लेकिन अब आगामी जो 24 का है या कह लीजिए आगे की जो रणनीति होगी हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए। नहीं, हम लोग तो पब्लिक बीच में काम करते हैं, जो पार्टी और संगठन से हम जुड़े हुए थे उसको अगर हमारी उपयोगिता लगेगी वो हमको आदेश निर्देश करेगी तो हम विचार करेंगे, अगर नहीं करेगी तो जैसे विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने हमको नहीं आमंत्रित किया और नहीं आमंत्रित किया तो हम भी नहीं गए, और उसमें आवश्यकता नहीं समझेगी नहीं बुलाएगी तो नहीं जाएंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे यशवंत सिंह जी, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि पूर्वांचल की जीत भले ही निर्दलीय या छोटी पार्टियों की हुई है, जिसमें एक तरह से जन धन बल सबका इस्तेमाल करने की जो बात आ रही थी उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो उनके बेटे ने ये चुनाव जीता है वो अपनी मेहनत पे जीते हैं और हमारे तरफ से उनको आशीर्वाद रहा है। राजीव कुमार, आजमगढ़, UP तक।